इंसान तो एक बार को सिर्फ प्यास लगे, भूख लगे कह सकता है, बोल सकता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर किससे कहें कि उन्हें प्यास लगी है। दोस्तों फाइनली इस समय हम पहुंच चुके हैं गड़पू के जंगलों में। अभी मुझे यहाँ आके पता चला है कि अशोक दा ने एक पहल शुरू करी है। वो पहल क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अशोक दा ने सोचा है कि गर्मियों के सीजन में हर वर्ष जो जो फॉरेस्टों में जो जो जानवर के लिए हौदियाँ यानी खुलियाँ छोड़ी गई होती है पानी के लिए, क्योंकि इस समय पे गर्मियों के टाइम पे बारिश कम होती है, तो उस कारण से जानवरों को जानवर पानी की प्यास में गाँव की ओर को भी आते हैं। और इस कारण से अशोक दा ने सोचा है कि वो हर वर्ष जो जो जंगलों में हौदियाँ छोड़ी गई हैं उसमें वो हर वक्त पानी भरेंगे, ताकि जानवर ना ही गाँव की ओर को आए और जानवरों को जंगल में ही भरपूर पानी मिल जाए। और दोस्तों बैग लो, बैग आगे तो बैग हो जाएगी यार। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने पहला जो हमारा स्टॉप है जहाँ पे हमने जानवरों के लिए पानी भरना है वो है ये जगह। काटो पूरा काटो, सीधा क्यों कर रहे हो? दोस्तों फाइनली पानी इस खुली में भरा जा रहा है, प्रोसेस शुरू हो चुकी है। एक खुली हमने भर दी है, अब देखते हैं फॉरेस्ट में कितनी और है, उनको भी भरने की कोशिश करेंगे। फाइनली अब हम चल पड़े हैं फिर से ट्रॉली मतलब फिर से टैंकर भरने के लिए। तो आधा एक घंटा भूसा भरा ही था कि अशोक दा का फ़ोन आ चुका है कि चल रहे हैं, चल फिर तो पानी डाल आते हैं एक बार। तो मैंने कहा चलो यार भूसा शाम को भर लेंगे, असुविधा आ रहे होंगे उससे पहले मैं पहुंच जाता हूं उनके पास, चलते हैं ठीक है। तो दोस्तों फिर से आ चुके हैं पानी खाली करने के लिए, शाम के बज रहे हैं 6:30 के आसपास टाइम है। अब देखते हैं कि पहले वाला पानी सूखा है अभी बचा है, क्या कह रहा होता, सूखा होगा ना। ये किसने भरा है? कोई सेवा वाला आ गया। तो दोस्तों पहले हम भर के गए थे इसको, अभी कोई और भर के गया है, देखते हैं और भी होंगे ना अभी आगे। चलो बढ़िया हो गया, कोई तो गया भर के, मतलब एक ही आदमी नहीं और भी आदमी है इस काम में। भयंकर कान हिला दिया इसने तो। सॉरी यार टायर फट गया ट्रैक्टर का, हम करना आए थे हेल्प, अब हमें कुछ हेल्प की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन अभी हमने कुछ देसी जुगाड़ किया है तो ट्रैक्टर भी चल पड़ा है, मतलब पूरा टायर खत्म हो गया, पूरा मुड़ गया मेरा कान का, अभी मेरे कान तो भर रहा है। आज के दिन के हमने दो टैंकर तो डाल दिए हैं, अभी ये आधा सेफ है तो आधा आगे भी एक ऐसी ही खुली है तो उसमें हम डाल के आते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं फिर से पानी इस खुली में पानी भरने के लिए, तो इस बारे में अशोक दा कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों इतनी भयंकर गर्मी में छोटे छोटे जंगल में प्राणी, बंदर हैं, हिरन हैं, हाथी हैं और जो है शेर है, सभी पानी से प्यासे तड़प रहे हैं। तो हमने एक छोटी सी मुहिम उठाई है कि जंगलात के जो हमारे टैंकर बने हुए हैं, टैंक बने हुए हैं, ये टैंकर के माध्यम से हम उसमें जो है पानी डालें, और जो है बाकी जो भी लोग हमारे मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ राजू मेहता हैं और मेरे साथ पारस तिलकवाल हैं और विकास पंत और विक्की हमारा है ना, अनोखा पहाड़ी का चैनल का जो ओनर, तो मेरा सभी लोगों से जितने भी लोग इस वीडियो को देखें सभी से कह रहा हूँ शेयर करें और जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करें, जो भी सहयोग करना चाह रहा अनोखा पहाड़ी के उसको मैसेज करके, ताकि जानवर पानी की हालात में गांव की ओर ना आए, क्योंकि अभी क्या है अप्रैल लास्ट है, मई का महीना पूरा है, जून का महीना पूरा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि दो महीने कम से कम ज़्यादा नहीं अपने आसपास के जंगल में जो भी जानवर हैं हमारे जंगली जानवर उनके लिए पानी की तरह से भटक रहे हैं मर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी हमारी तरफ से कुछ मदद हो जाए। धन्यवाद। अब हम गड़पू से नीचे जो बड़वाली मंदिर है उसके पास में टैंक बना रखा है वन विभाग द्वारा जो टैंक बना रखा है जंगली जानवरों के पानी पीने हेतु, अब उसको हम भर रहे हैं, देख लीजिए आप ये जो हम टैंकर में पानी लेके आए हैं। तो हमारे साथ फिर से हमारे साथी राजू मेहता और ये हमारे लाल कुआ से भाई हैं रवि भाई हमारे, ये पारस सलखवाल, विकास पंत। इंसान तो एक बार को सिर्फ प्यास लगे, भूख लगे कह सकता है, बोल सकता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर किससे कहें कि उन्हें प्यास लगी है। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोगों से अगर जो भी सहयोग हो सकता है
इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। ये 2 महीने मई और जून के हैं, बहुत कठिन है, बड़ी गर्मी है, भीषण गर्मी है। नौजवानों के लिए जो जिससे जो सहयोग हो सकता है वो करें, क्योंकि हम 2-3 टैंकर रोज़ डालेंगे। आश्रम ने एक अपना नियम बना रखा है, आज हमने 2 टैंकर पानी डाला है, 3 जगह आश्रम ने शुरुआत करी है। जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा अनोखा पहाड़ी का एक चैनल है हमारे भाई का, विकास पंत का, आप उसमें मैसेज करें या व्यक्ति का संपर्क भी कर सकते हैं हम किसी से भी। मेरे से होगा अशोक पंत है, राजू मेहता है, पारस तिलकवाल है या विकास पंत है, रवि, किसी से भी आप संपर्क करके आप सहयोग जो भी करना चाहें। कोई भाई हमें टैंकर, अगर किसी के पास बड़ा टैंकर हो 10,000 लीटर का, तो वो कुछ दिनों के लिए हमें दे दे, हमें एक टैंकर 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए एक टैंकर बोलेंगे। एक टैंकर हमारे पास ये है तिलकवाल जी वाला, मेहंडा का हमारा, ये थोड़ा सा छोटा टैंकर 5,000 लीटर का है, तो 10,000 का हो जाएगा, तो एक बार में 2 टैंकर जुड़ के आ जाएंगे। हाँ। तो हम जरा जल्दी है जो 2 टैंकर डाल रहे हैं, हम 4 टैंकर डाल देंगे दिन को। हाँ, काफ़ी आसानी हो जाएगी, उससे हमारे काम में और मदद भी होगी जानवरों में। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।